देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हाँ कुलदीप, हुन माधवी इधर आ गई है ना, हुने साडे वल दी हो गई है, ते हुन असीं इहनूं उधर नहीं जान देवांगे। पर बीजी, पर वार नहीं माधवी, तो हुन चाहनी है कि मैं दोबारा भी मारूं? हां बस माधवी, तो हुन नहीं जाएंगी वापस। ठीक है, नहीं जाऊंगी। रब मेरे बच्चे की जोड़ी हमेशा ऐदा ही बनाई रखे। अच्छा माधवी, तू मेरे लिए अपना वो स्पेशल अजवाइन वाला परौंठा बनाएगी? मैं जो तो बीमार होया ना, मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का। ठीक है, मैं उन्हें बना लिया नहीं, पर पहले तुसी काढ़ा पी। सर जी, तुसी तां फोटो ले भी नहीं हसदे सी। तुसी मैनू जांदे जांदे कह के गए कि तुसी मैनू प्यार करदे सी, पर मैं तां कुछ कह भी नहीं सकी, मैं तां अपना प्यार जता भी नहीं सकी। असी दोनों एक दूजे नू प्यार करदे सी, पर साड़ी किस्मत विच उस प्यार नू जीना लिखिया ही नहीं सी। आज मम्मी पापा नू देख के मैंनू रियलाइज होया कि एक दूजे दे नाल इन्ने साल रहना की हुंदा है, पर सानू तो टाइम ही नहीं मिलिया। मैं सारी उम्र थोड़ी यादा नाल ही कढ़नी है। पर थैंक गॉड आज मम्मी पापा कट्ठे हुए, नहीं तो मैनू ना गिल्ट फील हो रहा सी कि मेरी वजह नाल दोनों एक दूजे तो इन्ने दूर ने। पर आज सब ठीक हो गया। मैनू पूरा यकीन है कि अगे भी सब ठीक हो जाएगा। मैं साडा सांझा सुपना पूरा करांगी, ते उस बंदे नू भी लग के रवांगी जिन्हें सब कीता है। आज मैं सच दे इन्ने नेड़े सी, सब कुछ पता लग जाना सी मैनू, पर पता नहीं लास्ट मोमेंट ते वो हुड़ी वाला बंदा किथे गायब हो गया। पर जो मेरी गल सुन के उत्थे आया सी, इहदा मतलब उन्हें मेरे तो खतरा फील हुंदा है। हो सकदा मैनू कुछ करन दी लोड़ ही ना पवे, वो बंदा मैनू रोकन दी कोशिश करे ते आप ही एक्सपोज हो जावे। आई होप ये सब जल्दी होवे, क्योंकि मेरे को टाइम बहुत ही घट है।
ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਹੋੜੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਯੰਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਯੰਕ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੀਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਯੰਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ, ਮਯੰਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਨਾਲ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਦੀਆ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੀਆ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੱਚੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਾਇਰਾ ਭਾਬੀ, ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ? ਸਮਾਇਰਾ ਭਾਬੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੀਰਾ ਪਹੇਲੀਆਂ ਬੁਝਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਇਰਾ ਭਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੋਮਨਾ ਦੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਟ? ਹਾਂਜੀ ਸਮਾਇਰਾ ਭਾਬੀ, ਤੇ ਮੋਮਨਾ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡੈਡ ਦੇ ਲਈ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੋਮਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੰਮੀ ਜੀ ਸੀ ਜੋ ਦੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਛ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਹੁੜੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ।
भाभी तुसी इन्नी रात नू इत्थे? की होया भाभी, सब ठीक है? पापा ठीक ने? टॉपिक दिया, ये सब प्रटेंड करने की तेनू कोई लोड़ नहीं है कि तेनू साड़ी बहुत फिकर है। भाभी मैं तो दिया, जे तेनू साड़ी फैमिली की इन्नी फिकर होंगी ना तो तू सारी प्रॉपर्टी रख दी ना, स्पेशली वो प्रॉपर्टी जिसते तेरा कोई हक ही नहीं है, जिसते सब तो ज्यादा हक अंगद जी का है, ना कि तेरा। जे तू चाहती ना दिया, सिर्फ एक साइन की वजह नाल ना घर दी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जानिया सी, पर नहीं, मैं तेनू श्योर किया सी ना, तो मैं तेनू प्रॉमिस भी किया सी कि ना तेनू इस घर चो कोई बाहर कढ़ेगा तो ना ही तेनू बैडमिंटन खेलने तो कोई रोकेगा, पर नहीं, तेरे मन च तो पैसों का लालच आ गया सी, राइट? नहीं भाभी, मेरे मन च कोई पैसों का लालच नहीं सी, इस प्रॉपर्टी नू रखन दा मेरा अपना एक रीज़न है। ओ रीज़न? इदां दा केड़ा रीज़न सी दिया कि तेनू प्रॉपर्टी के पेपर फोड़ के सुटने पे? सर जी दा मर्डर। What? मर्डर? दिया अरज ब्रो दा मर्डर नहीं होया, अरज ब्रो अग नाल सड़ के मरे ने। होया है सर जी दा मर्डर, जी होया पापी, ते इसी घर विच कोई इन्वॉल्वड है। बहुत नॉनसेंस दिया, तेनू पता भी है तो की बकवास कर रही है? हाँ भाभी, ते जदों तक मैनू पता नहीं लग जांदा ना कि सब किने किता है, मैं इस घर नू छड़ के किते भी नहीं जावांगी। अच्छा, ते तेनू कहते ते शक है? जदों तक असली सब दे सामने नहीं आ जाती ना, सारे ही शक दे दायरे विच ने। दिया, तेनू पता भी है तू किहदे नाल वैर पा रही है? की मतलब? मतलब ये कि जिदी असलियत तो सब दे सामने लैके आंदी गल कर रही है ना, वो किन्ना खतरनाक हो सकता है। भाभी तुहानू पता है सब किने कीता है? तीओ जो कोई मर्जी होवे, बस मैं तेनू इन्ना दस रही हाँ कि वो बहुत ही खतरनाक है, तो हो सकता है तेरा सब कुछ करने सारी फैमिली खतरे में आ जाए। पर भाभी मैं सरजी के कातल में इदा बचन भी नहीं दे सकती। तो हो सकता फैमिली सेफ्टी लिए यही बेटर होवे कि तू कुछ ना ही करे। नहीं भाभी, फैमिली की सेफ्टी लिए यही बेटर है कि उस बंदे की असलियत सब दे सामने आए, ताकि वो कदे भी किसी के भी नाल दोबारा ये सब ना कर सके। क्यों तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तेनू एक छोटी जी गल समझ क्यों नहीं आ रही कि तेरी इन्हें हरकतों की वजह ना साड़ी सारी फैमिली प्रॉब्लम चाह सकती है? भाभी तुहानू हो की गया? देख दिया, मैं तेनू सिर्फ इतने वॉर्न करन आई सी कि तू ये जो कुछ भी कर रही है ना उसकी वजह नाल ये पूरी फैमिली खतरे च जा सकती है, पर तेनू ये छोटी जी गल समझ नहीं आ रही कि विच मैं कुछ नहीं कर सकती। आई होप कि तेरा ये फैसला ना इस फैमिली लिए सेफ ही होवे। मायरा,
समायरा बेटा मैं जानती हाँ तू मेरे तो नाराज है पर कुलदीप जी की इन्नी तबीयत खराब सी मैं उन्होंने कल्ले नहीं छड़ सकी बेटा तू ही दस मैं की कर अच्छा चल तू दस जे तू मेरी जगह पर होंगी तो तू की कर दी मम्मी जी मैं थोड़ी जगह पर आ चुकी हाँ क्योंकि मेरे तो इलावा ना इस घर में अंगद जी की होर कोई परवाह नहीं करता हूँ मैनू समझ आ रहा है कि अंगद जी क्यों हमेशा सब कुछ बोलते रहते नहीं बेटा तू गलत समझ रही है प्लीज मॉम ये गल तो किसी ने नहीं सोची कि अंकल जी के नाल इस घर में कितना गलत होया है उन्होंने हिस्से दे सारी प्रॉपर्टी सारा पैसा सारा बिजनेस दिया नू चला गया ते बजाए दिया ना लड़न दे तुसी सारे एक एक करके दिया को जाई जा रहे हो मम्मी जी जे इदा ही तुसी सारे एक एक करके दिया को चले गए दिया नू इन्नी सपोर्ट करन लग गए ते दिया अपना हिस्सा वापिस करेगी नहीं ना पर किसी ने उहदे वल जाण तों पहले एक बार भी अंकल जी बारे नहीं सोचा अंकल जी ने ना तो किसी ने सपोर्ट करने बारे सोचा तो ना ही किसी ने अंकल जी का साथ दिता है नहीं समायरा ओके मम्मी जी जितने इन्ने साल तो अंकल जी सब कुछ कल्ले संभाल दे आ रहे हैं ना वो भी अगे भी संभाल लेंगे नहीं बेटा तुसी कल्ले नहीं हो मैं मानती हाँ अंकल नाल गलत होया पर बेटा प्लीज मम्मी जी रहन दो तुसी जो करना सी ना वो तुसी कर लिया हूँ एटलीस्ट साढ़े तो भी कुछ एक्सपैक्ट ना करना समायरा मैं की करता अपने हाथ ना अपने घर का बंटवारा करता सर जी मैनू तो यकीन ही नहीं हो रहा कि समायरा भाभी मयंक नाल मिले हुए ने उन्होंने पक्का कुछ पता है पर वो दस नहीं रहे समायरा भाभी ने हुण तक इस घर नूं सामिया है फिर वो ये सब क्यों कर रहे ने वो खुद इस विच इनवॉल्व ने या वो किसी नूं बचाउण दी कोशिश कर रहे ने ते समायरा भाभी दा मयंक नाल की कनेक्शन है ते वो की डिस्कस कर रहे सी नहीं समायरा भाभी मयंक नूं प्रोटेक्ट तो नहीं करेंगे किते ऐदा तो नहीं क्यों अंगद वीर जी नूं बचाउण लई ये सब कर रहे हो हुण इन्हां सारे सवालों का जवाब ना सिर्फ समायरा भाभी कोल है ठंड पै गई तेनू मेरे घर च फुट पवा के मम्मी जी मैं अज तक मेरी किसी नूह दे नाल कदी उच्ची आवाज से गलबात नहीं हुई बहस भी नहीं हुई ना ही कदे लड़ाई हुई पर अज तेरी वजह नाल ये भी हो गया समायरा ने अज तक मैनू कदे जवाब नहीं दिता उन्हें इस घर लई इन्ना कुछ किया पर अज वह भी मेरे तो नाराज हो गई मैं उनकी प्रेगनेंसी उनके नाल रहना चाहती सी पर नहीं रह सकती तेरी वजह नाल तू ना सोची मैं इधर आ गई हाँ तो मैं तेन एक्सैप्ट कर ला इधर तो मैं सिर्फ कुलदीप जी की सेहत की वजह ना आई मैं तेन कदे एक्सैप्ट नहीं करा तो हाँ इस घर चो तो मैं तेन कड के रहांगी मम्मी जी जब मेरा काम पूरा हो जाएगा ना मैं आपे इस घर छड़ के चली जावांगी बहुत देख लिया तेरा ड्रामा तो बहुत सुन लिया तेरिया बड़िया बड़िया गल्ला हूँ तू मेरी गल सुन वो भी कान खोल के मेरा तेरे बैडमिंटन तो कोई लेना देना नहीं है ते ना ही मेरा इस गेम नाल कोई मतलब है पर तू जेड़ी शर्त ते कुलदीप जी तो एक अस्थि कलश लिखता से ना जे तू वो शर्त ना पूरी कर सकी तो तू अस्थि कलश आप वापस करेंगी ते इस घर नूं छड़ के चुपचाप चली जाएंगी ठीक है मम्मी जी जे थोड़ी यही शर्त है ना तो यही सही जे मैं सर जी निर्दोष साबित नहीं कर सकी ना तो मैं इस घर तो चली जावांगी